द कश्मीर फाइल में शारदा पंडित की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस भाषा सुंबली और सुशील पंडित ने शनिवार को गोरखपुर पहुंचकर मोहद्दीपुर स्थित मल्टीप्लेक्स में दर्शकों के साथ अपनी फिल्म देखी। वहीं इस संबंध में मीडिया से रूबरू होते हुए द कश्मीर फाइल्स में शारदा पंडित की भूमिका निभाने वाली भाषा सुंबली ने कहा कि मुझे कल शुक्रवार को पता चला कि मेरे पिता की चाची यानी मेरी चाची दादी को गांव छोड़कर ना जाने पर उनके ही घर में जिंदा जला दिया गया था और यह बात भी मुझे तब पता चली जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा में द कश्मीर फाइल्स फिल्म का मजाक बना रहे थे, जिससे भावुक होकर उनके पिता ने मीडिया को दिए साक्षात्कार में यह जानकारी दी। वे कहती हैं कि उनके माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि हमें यह सब बातें पता चले, क्योंकि वे चाहते थे कि हम आगे बढ़ें और अपने पैरों पर खड़े हों। आपको बता दें कि भाषा सुंबली शनिवार को गोरखपुर में सावरकर विचार मंच द्वारा द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग में शामिल होने आई थी। उनके साथ कश्मीरी पंडित सुशील पंडित भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ एक कश्मीर फाइल्स है, ऐसी लाखों कश्मीर फाइल्स हैं जिनकी कहानियां लोगों के सामने नहीं आई हैं, तथा शारदा का किरदार मेरे जेहन से शायद ही कभी जा पाएगा और यह निकलेगा भी नहीं। यह मेरा दुख है। आप अपने दुश्मन को माफ़ कर सकते हैं लेकिन भूल नहीं सकते। मैं इस किरदार को हमेशा अपने साथ जिंदा रखूंगी। जब हमें निकाला गया तो मैं माँ की गोद में 2 साल की रही होंगी और मेरी माँ बताती है कि हमने अपना कश्मीर वाला घर छोड़ दिया। मेरा परिवार दिल्ली शरणार्थी शिविर में आ गया, जहाँ शिविर में मैं पली बढ़ी हूँ। मेरे मामा और मासी भी इसी हादसे में चले गए थे। अब जबकि मेरा परिवार जम्मू आ चुका है, मैं आज भी खुद को शरणार्थी ही मानती हूँ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए द कश्मीर फाइल्स में शारदा पंडित का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस भाषा सुंबली व सुशील पंडित ने कहा, बाकी लोग आगे पीछे बैठो, अपना अपना हमारा भी जगह ले लीजिए। डॉक्टर भाई राजनीति के बारे में है, देश विदेश के बारे में है, या फिर कोरोना काल में भी आपने जो भविष्यवाणियां की थी बहुत सटीक साबित हुई थी। हमारे बीच में माननीय सुशील जी है, माननीय प्रांत प्रचार अध्यक्ष प्रांत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मैं आप सभी अतिथियों के साथ निवेदन करता हूं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो महान परंपरा है दीप प्रज्वलित करने की, दीप प्रज्वलित करके इस विशेष शो का एक औपचारिक शुरुआत करें। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय दिल्ली से
रंगमंच की बारीकियां सीखी। अपने करियर की शुरुआती दौर में फिल्म कार्यक्रम एक था रत्नी ने काम किया, इसके बाद सोनी टीवी पर मेरे दैद की दुल्हन में श्वेता तिवारी के साथ काम किया। रियलिटी शो इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज और सबसे बड़ा कलाकार का डायरेक्शन भी किया और फिल्म छपात में भी आपने काम किया है। अभी आपने जो कश्मीरी मैंने शारदा पंडित का किरदार देखा, आपने ही उसको निभाया। मैं आपको सतर्क नहीं करता ये बात है। आप सभी का धन्यवाद। आपने इस फिल्म को इतना समर्थन दिया। संवेदनशील मुद्दे पर फिल्म है और पूरी संवेदना आपकी तरफ से इस फिल्म को मिल रही है पूरे भारतवर्ष में। और आज के इस आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। ये फिल्म में जो आपने जो कुछ भी देखा शत प्रतिशत सत्य है और मैं यहाँ पर उसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। जो जो आपने फिल्म में देखा, जिस तरह से परवरिश हमारी हुई है कैंप्स में और पढ़ाई ज़रूरी है जैसे पुष्करनाथ जी कहते हैं, तो हमारी माताओं का, पिताओं का, जो हमारा जो पेरेंट्स जनरेशन है उन सबका यही फोकस रहा है कि कुछ भी हो पढ़ाई ज़रूरी है ताकि हम अपने पैरों पे खुद खड़े हों। आज मैं आपके सामने सिर्फ शिक्षा के बल पर और अपने माता पिता के सेक्रीफाइस के बल पर यहाँ सामने खड़ी हूँ और अपनी कला का जो भी मैं कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर पाई हूँ, एक श्रद्धांजलि है उन सभी विक्टिम्स को जो हमारे समुदाय के जो आतंकवाद की भेंट चढ़े, खासकर स्त्रियाँ। बस अगर आप लोगों में से किसी को मैम से कुछ पूछना है क्या पूछ To view our food menu or order our sumptuous food with minimal input, scan this QR code for the order. Check out our super combo offers. Scan फिल्म को चलते हुए अब एक पखवाड़ा हो गया है लगभग और देश भर ने इसे बहुत सराहा है और बहुत मनोयोग से देखा है, दिखाया है। आज सावरकर विचार मंच की ओर से गोरखपुर में एक विशेष आयोजन किया गया है इस फिल्म को शहर के कुछ गणमान्य व्यक्तियों को दिखाने का और साथ ही जो फिल्म में हमारी मुख्य अभिनेत्री हैं उनसे साक्षात्कार और संवाद करने का। तो ये हमारा सौभाग्य है कि भाषा जी आज हमारे साथ उपलब्ध हैं और अभी हम लोग इस फिल्म को आईनॉक्स में देख करके आए हैं और आप सबके पास उपलब्ध हैं कुछ प्रश्नों के लिए। फिल्म को लेकर कुछ चर्चाएं हुई हैं, कुछ टीकाएं टिप्पणियां हुई हैं और राजनीति भी खूब हुई है। कुछ लोगों को आपत्ति है, कुछ लोगों को कुछ जिज्ञासाएं हैं, संशय है कि इसमें कितना सच है, कितनी कल्पना है। भाषा जी ने अभी बताया कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो न घटा हो कश्मीर में।
और मेरा ऐसा मानना है कि इस फिल्म में जो कुछ घटता दिखाया गया है वो वास्तविकता में जो घटा है उसका शायद 1-2% ही हो, क्योंकि 2-3 घंटे में आप 32 वर्ष कितना समेट लेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि ये पूरा सच नहीं है वो सच ही कहते हैं शायद, क्योंकि पूरा सच ना तो एक फिल्म में बांधा जा सकता है ना उसको दिखाना संभव है। इस जिहाद की त्रासदी का पीड़ित हर व्यक्ति अपने आप में एक चलती फिरती फिल्म है, और भाषा जी के साथ ये एक संयोग है कि उन्होंने इसको जिया भी और फिल्म में इसकी अभिव्यक्ति भी की। तो अब भाषा जी स्वयं बोलेंगे। आपने जैसे फिल्म में देखा होगा, फिल्म आपने देखी है जी, हाँ, तो उसमें आपने जैसे देखा होगा कि जो मेरा जो कैरेक्टर है शारदा पंडित, वो कैसे गोद में अपने छोटे बच्चे को लेकर आती है और बगल में दूसरा बच्चा होता है शिवा। तो मैं कश्मीर से निष्कासित ठीक उसी तरह से हुई हूँ, मेरी माँ की गोद में। मेरा जन्म श्रीनगर में हुआ है और उसके बाद फिर मैं अपनी माँ की गोद में उस रात को निकल गई थी, कश्मीर से निष्कासित हो गई थी। और उसके बाद मेरा जो शुरुआती जीवन है वो दिल्ली के रेफ्यूजी कैंप में बीता। और ये बातें मेरी माँ ने मुझे बहुत बाद में बताई, क्योंकि उनका फोकस ये था कि हमें अपने बच्चों को जो घटा है उसकी त्रासदी सुना के मतलब डिप्रेस नहीं करना है उनको। कई कई सत्य तो हमें, मुझे खुद नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे रिलेटिव्स के साथ क्या हुआ। मुझे कल पता चला कि मेरे पिताजी की जो चाची थी, यानी मेरी चाची दादी जो थी, उन्होंने रिफ्यूज़ किया वहाँ से निकलने से। उन्होंने कहा मेरी ज़मीन है, मेरा घर है, मेरी मेहनत का बनाया घर है, मैं नहीं जाऊँगी। तो एक दो दिन के बाद जब सारा गाँव खाली हो गया तो उन्हें उस घर में बंद करके घर के समेत जिंदा जला दिया गया। ये बात मुझे कल पता चली। तो ऐसी ऐसी भीषण मतलब इसकी डिटेल्स हैं जो कि हमने खुद हमसे भी छुपाई, क्योंकि जीना था, क्योंकि आगे बढ़ना था, क्योंकि बिना किसी मदद के, बिना किसी सरकारी मदद के या किसी भी प्रकार की मदद के हम लोगों का फोकस रहा है कि खुद को पहले, जैसे हम उजड़े हैं वहाँ से, किसी तरह से अपने पैरों पर खड़ा करें। और आज ये बात इस फिल्म के तरह से हम सभी के सामने है, और जिन लोगों को भी इस फिल्म से आपत्ति है उनके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि उनको सत्य से आपत्ति है, क्योंकि सत्य जो है उनको, जैसे फिल्म में भी डायलॉग है कि इन्होंने इतने साल कश्मीर का मुद्दा गर्म रखा, अपना नैरेटिव हावी रखा, लेकिन एक फिल्म ने, सिर्फ एक 2.5-3 घंटे की फिल्म ने उस सारे नैरेटिव को ध्वस्त किया है। और वो जो परेशानियाँ हैं वो उसी के चलते हैं, क्योंकि हम स्वयं यहाँ पर कश्मीरी हिंदू होने के नाते इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है हमें उससे बहुत एक तरह से एक कैथारसिस होता है कि हाँ, ये जब आप पे घटी हुई घटना आप जब देखते हैं सामने, हालांकि कितने किस्से कितनी घटनाएं छूट गए। जैसे अभी सर ने बोला कि हम में से हर एक जो है वो एक फिल्म है, एक उपन्यास है, एक कहानी है। हर एक, अगर हम 7 लाख की तादाद में हैं तो हम सब 7 लाख द कश्मीर फाइल्स हैं, और अभी तो सिर्फ एक आई है जिसने इतना पर्दा उठाया है। सच सर, दरअसल कल जो केजरीवाल जी ने जो बयान दिया उसके रिस्पॉन्स में मेरे पापा ने एक वीडियो मतलब एक जगह इंटरव्यू में दे रहे हुए थे, तब वहाँ उन्होंने बहुत ही भावुक होके और ये बात बोली, और मैंने वो वीडियो देखा और तब मुझे पता चला। तो यानी मुझे डायरेक्टली किसी ने नहीं बताया था, क्योंकि हम लोग, जैसे आपने सुना होगा, इतना पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको PTSD बोलते हैं, यानी एक भीषण त्रासदी के बाद जो होता है, या एक शब्द है साइकोलॉजी में जिसको ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके अंदर आता है, वो DNA के थ्रू आए या किसी भी तरह से आए, वातावरण से, परिवेश से आए। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने वो डिटेल्स सुने होने चाहिए, और कितने डिटेल्स हम सुनेंगे, कितने हम बताएंगे। मतलब आप मेरे पेरेंट्स के हिसाब से भी देखिए, वो जो जनरेशन है वो भी ये चाहती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो ना जाने, ना ही जाने तो बेहतर है मतलब, लेकिन एक स्तर पे आके बताना भी ज़रूरी होता है।